Am I right? These are Karyapalika. 79% Karyapalika par ek hi samaj ka aaj ki tarikh mein kabza hai. क्या ये बात गलत है कराएंगे? चौथा बचा व्यवस्था पीटा तो आदिवासी ने निर्णय करके एक भी विधायक सांसद भेजा गया और ईवीएम आने के बाद गुजरात का चुनाव की हालत देख सकते हो. मैं मानता हूं चारों चार पिलर प्राइवेट हो गए हैं, निजीकरण हो गए. इस देश में डेमोक्रेसी हाई हो गई है और हम कह रहे हैं पृथ्वी को बचाएंगे. अरे भैया हम तो बचे, इसका मतलब ये नहीं है ये जीवन को लेकर कोई मोल नहीं है. ये जीवन को लेकर हमारी जान से प्यारा है कि प्रकृति को बचाना चाहिए. ये पूरे जीव जगत का मसला है, इसको हम नकार नहीं सकते, उसको सर आंखों पर रखते हैं हम लोग. लेकिन वो मुर्गी क्या कर रही है? क्या कर रही है मुर्गी? गुस्से में आई है कि नहीं? तो आदिवासियों को गुस्सा कब आएगा? 6000 साल से गुस्सा नहीं आया. पिछले 75 साल में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी गुस्सा नहीं आया, कब आएगा? और मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ डेमोक्रेसी. हमने प्रगति का सिद्धांत देखा, प्रगति प्रगत, ये मैं अपनी बात नहीं करता. प्रगति प्रगत सिद्धांत देखा, क्या सिद्धांत देखा? एक सियार या कुत्ता भेड़ के बच्चे को खाने आता है तो भेड़ क्या करती है? सबसे भोला जी माना जाता है भेड़, सबसे भोला जी. तो वो भेड़ भी सियार या कुत्ते के सामने लड़ने के लिए तैयार होती है? यह अंध आदिवासियों ने जाना था, सीखा था. हम पढ़े लिखे लोगों ने इससे कोई सबक सीखा गया? नहीं सीखा. ये मुर्गी का वर्ण आप बिल्ली है, वो काटने आ रही है तो वो गुस्सा हो रही है. और मेरे भाई पेंटर गोसा जी ने पृथ्वी को भी गुस्से में दिखाया है, तो थोड़ा सा गुस्सा मैं कर लूं क्या? जाहिर है क्या? प्रकृति का सीधा जमीन बना सकता हूं. ठीक है, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं. मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश व्यवस्था टीकाबाजी ने तो आंदोलन लड़ा, क्या वो आंदोलन आदिवासी नेतृत्व में भी था या नॉन ट्राइबल के नेतृत्व में था? स्वतंत्र आंदोलन था ट्राइबल के नेतृत्व में, टीकाबाजी के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन था. दूसरी बात, उसी के बाद में बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ, वो भी स्वतंत्र आदिवासी लीडर के नेतृत्व में आंदोलन था. सही है गलत? इधर नायक आंदोलन देख लीजिए, पंचमहाल का ये छोटा उदयपुर के पास में 1868 का, वो भी जोड़िया परमेश्वर और रूप सिंह नायक के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन था. इधर भीमा नायक का आंदोलन देख लीजिए, वो आंदोलन भी आदिवासियों का स्वतंत्र था, किसी दूसरे के नेतृत्व में नहीं था. टंटिया भील का आंदोलन देख लीजिए, वो भी स्वतंत्र आंदोलन था, स्वतंत्र आदिवासियों के नेतृत्व में आंदोलन होने की वजह से हमको हक अधिकार मिले. हमारे राजस्थान की बात करो, यानी दाहोद से आगे की बात,
बात करूं तो 1881 में पहला आंदोलन खुले वापसी का हुआ था। वो आंदोलन हमारी सामाजिक लीडरशिप कमेटियों के नेतृत्व में, आदिवासियों के मुखियों के नेतृत्व में हुआ था। यानी वो भी आंदोलन लीडरलेस नहीं था। इसके बाद संत सुरमाल खराड़ी का भगत आंदोलन हुआ, वो भी मैट कोटवालों के नेतृत्व में हुआ, वो भी लीडरलेस नहीं था। और इसके बाद मानगढ़ का आंदोलन, जिसको संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन कहते हैं, उसमें भी 180,000 मैट कोटवालों का आंदोलन था। तब जाकर के हमको हक अधिकार मिले। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस घाट से आया हूं वो संत गोविंद गुरु महाराज का ही गांव है। मेरे ही गांव ने 6 साल तक गोविंद गुरु को रोटियां खिलाई। और वो आंदोलन शुरू हुआ था 1881 में। याद रखिए, 1881 में हमारे भक्तों का संगठन था। और कांग्रेस कब बनी? ये इंजेक्शन 1885। तो आदिवासियों की लीडरशिप है वो सीनियर है, वो कांग्रेस जूनियर है। आदिवासियों की लीडरशिप सीनियर है, कांग्रेस जूनियर है। और देश में आदिवासियों की स्वतंत्र लीडरशिप का सबसे पहले एक कांग्रेसीकरण हुआ। इंजेक्शन नंबर 1। और इसी कांग्रेसीकरण से संघीकरण हुआ, नंबर 2 इंजेक्शन। और इसी संघीकरण से पांचवाईकरण हुआ, नंबर 3 इंजेक्शन। और आदिवासी नेता बनने लगे, लीडर नहीं रहे। वो नेता भी कैसे, जो दूसरे सेलेक्ट करते हैं और आदिवासियों को थोप देते हैं, लो तुम्हारा नेता। इस देश में सबसे लायक कोई कौम है? आदिवासी है। इस देश के अंदर सभी वनस्पति में क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, उसका ध्यान भी आदिवासी ने सबको दिया। दवाइयों के मामले में हम देखते हैं तो कौन सी वनस्पति से कौन सी दवाई बनती है, इसका ज्ञान सबसे ज्यादा आदिवासी को है। और आदिवासी अहिंसकों में आज भी इस देश के निर्माण में सर के देख लीजिए, आपका ध्यान देख लीजिए, सबके निर्माण में आदिवासियों का रोल है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, केवड़िया क्यों नहीं बचा पाए, हसदेव क्यों नहीं बचा पाए, पारसनाथ में क्या हो रहा है, आपका ये कॉरिडोर बन रहा है क्या हो रहा है, ये बुलेट ट्रेन हो रही है क्या हो रहा है? देख लीजिए, ये निवेश क्षेत्र के नाम पर रतलाम में क्या हो रहा है, रतनमाल में क्या हो रहा है, हमारे काफी डुगरी में क्या हुआ, कार्तिक भील के साथ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या होगा? एक ही समाधान बचा है, सिंगल समाधान। और वो समाधान कितना भी बुरा लगे मैं कहने ही वाला, एक ही समाधान है, सिंगल। डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ को मानते हो तो
इस देश में जो निर्णय करने वाली संस्थाएं हैं, जिनको हम लोग विधानसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, वहां आदिवासियों के द्वारा सेलेक्टेड और इलेक्टेड जनप्रतिनिधि जाना चाहिए। इसके अलावा कोई ध्यान दीजिए, इलेक्टेड तो कर रहे हो, सेलेक्टेड तो नहीं कर रहे हो, तो आपको ही सेलेक्टेड करना है, आपको इलेक्टेड करना है, वो निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, ये बात ध्यान रखिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमको सत्ता के मंदिरों में कब्जा करना होगा, सत्ता के मंदिरों पर। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, उसका अपना फार्मूला हमको बनाना चाहिए, आज की पार्टियों के समान फार्मूला नहीं बनाना चाहिए। गुजरात में एक पार्टी आई दिल्ली से और आदिवासियों से मिल करके सेकंड नंबर की लीडरशिप खींच मारी और कांग्रेस को भी हरा दिया, नहीं समझ में आई, और हमारे आदिवासी लीडर ही थे, उन्होंने उनका साथ दिया, सेकंड लीडरशिप को अपनी तरफ खींच लिया, कांग्रेस को भी हरा दिया, ने बीजेपी को भी हरा दिया, ने बीजेपी को जितवा दिया। ये माइंड सेट भी समझो, ये बात मेरी स्पीच से काट डालना, काट डालना, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ, मजबूरन बोलना पड़ा क्योंकि मैं गुजरात में हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, आपने मेरी बात सुनी, कड़वी कड़वी बातें सुनी, माफ करना, पेट की बात, राजस्थान से इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ आए हैं, इसलिए मैंने बोला आगे से नहीं बोलने दो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छिटरा कसी मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं डंक मारना भी जानता हूँ, घबराई नाम है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप भवनलाल परमार का, कभी कभी मीठी कड़वी दुखदाई जितनी भी बातें सारी कही, उसके लिए धन्यवाद।